जल्दी से पाएं तुरंत राहत, वाइट डिस्चार्ज को करें जड़ से खत्म। अगस्त्य एक ऐसा औषधीय गुण वाला पौधा है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 30 फीट तक होती है। इसकी लकड़ी सफ़ेद और कोमल होती है। इसकी पत्तियों का आकार गिलोय के पत्तों के जैसा होता है। इस पर दो तरह के फूल आते हैं, सफ़ेद और लाल रंग के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगस्त का पेड़ ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में उगता है। इस पर फूल अगस्त के महीने में आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस पेड़ का नाम अगस्त है। इसके फूलों से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे सब्जी, पकौड़े, अचार आदि। अगस्त का पेड़ गर्म इलाके में और जहां पानी ज़्यादा हो ऐसे इलाकों में ज़्यादा मिलता है। भारत में अगस्त का पेड़ पंजाब, बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान द्वीप के में ज़्यादा प्राप्त होता है। अगस्त के बीज, फूल, पत्तों और जड़ सभी अंशों का प्रयोग दवाई की तरह किया जाता है। अगस्त के कोमल पत्ते, फूल और पत्तियों का साग बनाकर खाया जाता है। अगस्त के फूल मीठे और कुछ कड़वे होते हैं। अगस्त के फूलों के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। अगस्त के फूलों का इस्तेमाल खांसी, बुखार को दूर करने के लिए किया जाता है। अगस्त की पत्तियों का इस्तेमाल खुजली, नाक कान से खून बहना जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वहीं अगस्त की फली स्वाद में कड़वी और छोटी होती हैं। इनका इस्तेमाल बुद्धि और याददाश्त को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह खून की कमी को पूरा करने में भी काफ़ी लाभकारी होती हैं। अगस्त की फलियों का इस्तेमाल कीड़ा काटने पर विष का प्रभाव करने के लिए या सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। अगस्त के पके हुए फल को भी अलग अलग बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल कड़वी, पौष्टिक, पाचक और शक्तिवर्धक होती है। अगस्त में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जैसे आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मौसम बदलने या सर्दियों में खांसी, सर्दी, जुखाम होना आम बात है। ऐसे में अगस्त के पत्ते का काढ़े में शहद मिलाकर पीने से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। आजकल सभी उम्र के मनुष्यों में सर दर्द की शिकायत रहती है, इसके लिए अगस्त का इस्तेमाल किया जाता है। अगस्त के पत्तों के रस या फूलों के रस को जिस तरफ सर में दर्द हो उससे दूसरी ओर नाक में डालने से काफ़ी आराम मिलता है। जिन लोगों को रात के समय आंखों से दिखना कम हो जाता है उन लोगों के लिए अगस्त के फूलों का रस मक्खन के साथ खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। कभी कभी ज़्यादा खांसी की वजह से या ज़्यादा चिल्लाने पर गले की आवाज़ में भारीपन या गला बैठ जाने जैसी समस्या हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अगस्त की पत्तियों के काढ़े को गरारा करने से सूखी खांसी, जीभ का फटना, गले में खराश या खराश के साथ खून निकलना आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। अगस्त के पत्तों में शहद मिलाकर खाने से महिलाओं में सफ़ेद पानी निकलने की बीमारी में भी आराम मिलता है। अगस्त के पत्तों को गर्म करके फोड़े पर बांधने से अगर फोड़ा सूखता नहीं तो वह सूख जाता है और दर्द में भी आराम मिलता है। मिर्गी के लक्षणों में राहत पाने के लिए अगस्त बहुत ही गुणकारी है। अगस्त के पत्तों का चूर्ण और काली मिर्च गौमूत्र में पीसकर उसे सूंघने से तुरंत लाभ मिलता है। बुखार के लक्षणों से राहत दिलाने के लिए भी अगस्त बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए अगस्त के पत्तों के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम दिया जाता है, जिससे बार बार बुखार आना रुक जाता है। इन कुछ फायदों के साथ साथ अगस्त के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगस्त की छाल का अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी या दस्त भी होने लगते हैं, इसलिए अगस्त का इस्तेमाल नियमित रूप से ही करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।